हम आएंगे इसमें, अब हम पढ़ेंगे फोर डिजिट्स नंबर एंड देयर नेम्स। अब इसमें इसी तरह ना डिजिट्स लिखे हुए हैं हमारे पास, अब हमने इनमें लिखना है। देखो आप लोग सबसे पहले ये देखोगे तो इसमें इन्होंने हमें ऊपर ना लिख दिया हुआ है छोटा छोटा सा, 1000 भी लिख दिया हुआ है, 1000 भी लिख दिया है, 100 भी लिख दिया है, 10s भी लिख दिया है और 1s भी लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब TH का मतलब मैंने अभी बताया ना क्या होता है, 1000। तो हम क्या लिखेंगे जो उसके नीचे वर्ड है, 6 लिखेंगे, 6000। 7 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100, 700। 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10s, और 1s के नीचे लिखा हुआ है 0। जो 10s और 1s होगा ना उसको एंड पे हम लोग कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, 6720। ठीक है, एंड 20, इसको एंड वाली जो दो डिजिट्स होंगी ना, 10s और 1s को, उसको कंबाइन करके लिखेंगे। जब नेक्स्ट वाले पे आप, जैसे आप लोग आ जाओ तो ये लिखा हुआ है 55094। अब 1000 के नीचे क्या, 1000 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना, तो आ जाएगा 5000। अब 100 के नीचे 0 है, तो जब नीचे 0 होगा तो फिर हम उसको स्किप कर जाएंगे। ठीक है, मतलब अब वो 0 वाले का को नहीं लिखेंगे, और आगे 10s और 1s में क्या है, 94, तो इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाता है, 94। तो लिख देंगे 5094। अब आ जाएंगे सी वाले पे, सी में लिखा हुआ है 3, फिर 20 और फिर 8, तो 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000, तो 3000 आ गया, और बीच में 00, मतलब इनके बारे में ना 100 का लिखा हुआ है ना 10s का लिखा हुआ है, एंड पे सिर्फ 1s का लिखा हुआ है, तो सिर्फ वही लिख देंगे, लिखेंगे 3008। ठीक है, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, तो लिखा हुआ है 7900, तो 7000 और 900, 900 ही आ जाएगा, उसके आगे 00 है जिसको हम लिखेंगे ही नहीं आगे से। अब उससे नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे 2506, तो 2506, क्योंकि बीच में 0 आ गया तो वो आ जाएगा 506। अब आ जाएगा 85, आगे वाला आ गया 8547, तो क्या आ जाएगा, 8547। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1011, तो 1011, क्योंकि बीच में जो 100 वाली वैल्यू स्किप हो गई है तो उनको एंड वाले को दो कंबाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 11। इसी तरह लास्ट वाला जो है उसमें लिखा हुआ है 9704, 9704, इसमें टेंस वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई तो उसको 04 की जगह हम खाली 4 लिखेंगे। ओके क्लास, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप लोग मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, तो इनको अच्छे से जो है ना समझ के आप लोगों ने कॉपीज़ पे, बुक्स पे नोट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।